हेलो दोस्तों, यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत है। केमिस्ट्री के पेपर होने वाला है, उसमें जो प्रयोगशाला विधि से जो चित्रण सहित उसको प्रदर्शित करना होता है, वो क्वेश्चन जो आने वाले हैं, मैं केवल आपका दो प्रयोगशाला विधि बताऊंगा, उनमें से कन्फर्म है। तो आप लोग इसे निश्चित रूप से इस वीडियो में बने रहें और इसे आप लोग गहन तरीके से अध्ययन कर लें। तो देखिए, जैसे देखिए हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन किए। देखिए 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 17 और 20 ये लगातार प्रत्येक वर्षों में आने वाला सब्जेक्ट क्या आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बतलाया था हाइबर ने क्या बतलाया था कि जैसे कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। थोड़ा देखेंगे, ये NH3 होता है, NH3 होता है, तो इसमें नाइट्रोजन और क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइबर ने बतलाया था कि नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन 1 लीटर हो गया और 3 लीटर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, यानी कि 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, देखिए थोड़ा सा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें 23,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखिए सचित्र वर्णन इसका किया गया। सबसे पहले इसमें क्या कहें सचित्र वर्णन में कि सबसे पहले देखिए क्या है कि इसमें ये उत्प्रेरक कक्ष है, यानी इसमें मोलिब्डेनम और लोहे की जो मोलिब्डेनम और लोहा, देखिए मैं रिएक्शन ऐसे मकर बना रहा हूँ। देखिए N2 और क्या हो गया? 3H2 और ये हो जाएगा क्या होगा? आयरन। ये हो गया मोलिब्डेनम। तो ये उत्प्रेरक है, ये क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है कि उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को बनाए रखता है, और ये उत्प्रेरक क्या करता है कि इन सब अभिकारकों को क्या करता है आपका? उत्तेजित करता है। तो यानी कि उत्प्रेरक कक्ष है, ये उत्प्रेरक कक्ष है और ये कंप्रेसर पंप है। यहाँ में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में इसमें जब डाला जाता है तो इस कंप्रेशन के माध्यम से किस में जाता है? उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष में जब जाता है तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करता है? उत्तेजित करता है, जिससे रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और इस नली के माध्यम से जा करके ये यानी कि जो अमोनिया होती है द्रव के रूप में प्राप्त होती है इसमें, और द्रव के रूप में प्राप्त होती है जो कि धीरे धीरे क्या होता है कि सर्कुलेशन पंप में जाती है, और सर्कुलेशन पुनः क्या होता है? पुनः इसमें आती है, और फिर ये प्रक्रिया क्या होती है कि बार बार होती है, जो कि अंतर नीचे आकर के द्रव अमोनिया क्या होते हैं प्राप्त कर ली जाती है। और जैसे ही नाइट्रोजन की मात्रा हाइड्रोजन मात्रा कम होती है पुनः इसमें डाला जाता है, और इस तरह से बारी बारी से ये क्या करते हैं कैसे डाल करके अमोनिया अधिक से अधिक रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि यह क्या है आपका? अमोनिया बनाने की हाइबर विधि है। तो ये आप लोग देख लीजिए हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि। तो ये आप लोग लिख लेंगे आसानी से, क्या करेंगे? सर्कुलेशन पंप बना लीजिएगा, एक कंप्रेसर पंप होगा और एक क्या इधर सर्कुलेशन पंप होगा। कंप्रेशन में मतलब क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में डाला जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में डाला जाएगा, और ये जब इसमें डाला जाएगा तो ये क्या करेगा, घुमाते हुए इसको लेकर लाएगा, कहाँ? इसमें डालेगा। और यहाँ चूंकि एक ऐसा बॉक्स है, ये मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण इसमें भरा हुआ है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक और वर्धक का, और ये क्या करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उत्तेजित करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये उत्तेजित होकर आपस में क्रिया करके ये क्या करते हैं धीरे धीरे जल युक्त जो एक आपका क्या आपका अलग पात्र है, जो कि इसमें क्या होता है कि द्रव अमोनिया जो होता है द्रव के रूप में क्या होता है यहीं इकट्ठा हो जाता है, और जो शेष गैसीय रूप में होता है इसमें आता है, पुनः इसकी सर्कुलेशन होकर फिर इसमें आता है, और पुनः शेष क्या जो होता है शेष जो होता है वो आकर पुनः अमोनिया बदल जाता है, और फिर क्या करता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डाल करके बारी बारी से इस तरह से अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त कर लेता है इस विधि से। तो यह अमोनिया बनाने की हाइबर विधि है। ये तो बिल्कुल समझ में आया होगा, फिगर आप लोग अपने दिमाग में बैठा ले कैसे करेंगे। कंप्रेसर पंप है, एक अलग सा पात्र होगा, मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण इसमें होगा, और इसे एक न्यू यानी कि दो समकोण पर मिली हुई मुड़ी हुई एक क्या होगी आपका, तीन समकोण पर मुड़ी हुई एक नली होगी जो कि एक द्रव अमोनिया का रखी हुई क्या होगा पात्र होगा जलयुक्त, और इसमें क्या होगा इसे निकल करके सर्कुलेशन पंप में जाएगा, पुनः घुमा करके इसमें लाएगा, इस तरह से अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप लोग देख लिए, मैं इस सीरीज के माध्यम से ही मैंने बता दिया ताकि मुझे बताने में ज़्यादा समय ना लगे, मैं आसानी तरीके से इसको बता दूं। तो ये आप लोग नोट्स कर लें। फिर देखिए अगला जो है यानी कि पी ब्लॉक से ही है, देखिएगा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, यानी कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण सचित्र वर्णन करना होता है, जो कि लगातार देखिए 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 लगातार आया है। तो ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने की जो विधि है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं आगे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसके माध्यम से मैं इसको समझा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अपने भी आप लोग अपने सीरीज से भी इसको क्या कर लीजिएगा,
देख लीजिएगा, देखिए कैसे हैं थोड़ा देखेंगे। इसमें ओस्टवाल विधि में है क्या कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया को जब क्या करते हैं कि वायु में जब इसको गर्म करते हैं यानी कि ऑक्सीकृत करते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। किसे बदलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रस ऑक्साइड को पुनः जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो इस तरह से हमें क्या होती है कि नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाती है। तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने का सचित्र वर्णन देखिए कैसे है, थोड़ा देखेंगे। ये क्या होगा कि एक उत्प्रेरक कक्ष होता है जो कि जिसमें प्लेटिनम के क्या होते हैं आपका कि प्लेटिनम की जाली लगी होती है। देखिए प्लेटिनम की जाली लगी हुई है जिसमें टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें अमोनिया को वायु के साथ इसमें प्रवेश किया जाता है, झोंका के साथ इसमें भेजा जाता है। जब इसमें भेजा जाता है तो तेजी से रिएक्शन करके इस नली के माध्यम से नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल करके जब इसमें आता है तो इसमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि इसमें आकर के जो कि इसमें एक अलग सा पात्र होता है जिसमें क्वार्टर्स के कंकड़ इसमें भरे जाते हैं और जलयुक्त होता है, इसमें आकर के अवशोषित हो जाते हैं और नीचे पेंदी में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है जो कि अलग टोटी के माध्यम से क्या होता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी आवाज को आप लोग सुने, मेरी कथन को सुने, और यही कथन आप लोग निश्चित रूप से आप लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मुझे सीरीज से कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मैंने सीरीज का सहायता लिया, क्या फिगर का सहायता लिया, और मैंने इसको मैंने समझाया, बशर्ते मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग क्या करें, नोटेट कर लें और वैसे ही आप लोग लिख लें। कैसे बताएंगे आप लोग कि अमोनिया को क्या करेंगे, वायु के में क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे, किसके उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में, यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो बदलेगा कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होगा, और नाइट्रस ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा आपका, नाइट्रिक। ये कैसे होगा, ये तीनों रिएक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये उत्प्रेरक कक्ष है, एक गोल पेंदी के आकार का है। इस उत्प्रेरक कक्ष में क्या है कि प्लेटिनम जो उत्प्रेरक है उसकी जाली लगी हुई है, और इसमें टेम्परेचर बहुत अधिक है, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें नली के माध्यम से अमोनिया है, वायु के साथ इसमें तेज झोंका के साथ इसमें प्रवेश कराया जाता है। जब प्रवेश कराएंगे तो ये अमोनिया जो होगा सीधे किसमें बदल जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड में, और नाइट्रस ऑक्साइड में बदल करके इस नली के माध्यम से जैसे इसमें आएगा, ये अलग सा पात्र है जिसमें ऑक्सीजन पहले से उपस्थित है, इससे जब ये क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा कि पुनः इसमें से इसमें आएगा तो ये जल युक्त है, जल से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, अमोनिया, सॉरी नाइट्रिक अम्ल, और इस तरह से नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लें, ठीक। अब अगला मैं वीडियो बनाऊंगा जो प्रयोगशाला विधि है कार्बनिक वाले से, ये अकार्बनिक वाले से था, पी ब्लैक के तत्व था, पी ब्लैक मैंने जो कि 17वें वर्ग का जो तत्व है, सॉरी नाइट्रोजन है, यानी कि 15वें वर्ग का जो तत्व है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यौगिक है HNO3, अमोनिया भी नाइट्रोजन के यौगिक है NH3, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया बनाने की विधि था हाइबर विधि और ओस्टवाल विधि, आप लोग नोट कर लें। अगला थोड़ा देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जैसे मान लें कि ईथर है, एल्कोहल है, ये है, ये जो मतलब ईथर है ना, ईथर बनाने की डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ईथर बनाने की जो दो विधियां हैं इसमें दिया गया है, तो प्रयोगशाला डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो थोड़ा देखिएगा मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा देखिए डाई एथिल ईथर, ये क्या होता है, इसमें गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, एक अलग सा क्या होता है आपका अलग पात्र होता है जो कि जिसमें ये जो ईथर जो बनेगा इसमें इकट्ठा किया जाएगा। तो थोड़ा देखिए क्या होता है, ये जो बता रहे थे डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा देखेंगे इसमें क्या होता है कि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी डाई एथिल ईथर जो होता है एथिल एल्कोहल के अधिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बनाया जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि देखो एथिल एल्कोहल C2H5OH है तो एथिल एल्कोहल हो गया, और H2SO4 है, H दिया है ना, तो H2SO4 है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। जब इसको क्या करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी कि 100 से 110 सेंटीग्रेड तो प्राप्त होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा, इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः क्या करते हैं कि एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं। देखो यहाँ पर एथिल एल्कोहल है C2H5, ये क्या हो गया OH हो गया, और ये क्या होगा C2H5HSO4 है, तो ये एथिल क्या हो गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, और एथिल एल्कोहल पुनः इसको क्या करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन समझ में आ रहा है बिल्कुल,
अब इसको बनाने की विधि क्या है थोड़ा देखेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल को क्या करेंगे कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क होगा, बनाने की विधि देखिएगा आप लोग। एक गोल पेंदी के फ्लास्क है जो कि स्टैंड पर कसी गई होंगी और नीचे एक बर्नर की सहायता से इसमें क्या जाली लगा हुआ है और इसमें क्या होगा कि एथिल एल्कोहल का जो एथिल एल्कोहल है धीरे धीरे कीप के माध्यम से इसमें डालते हैं और डालने के बाद एक थर्मामीटर लगा रहता है। अब इसमें क्या थर्मामीटर से टेम्परेचर मापने के लिए टेम्परेचर कितना है, इसमें बालू के इसमें चून रखा गया है, जब इसको गर्म करते हैं तो एथिल एल्कोहल क्या होगा आपका गर्म होगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें। ये क्या करेंगे जब इसको गर्म करेंगे तो इसके माध्यम से क्या होगा कि एक नली लगी हुई है, इसके माध्यम से क्या होगा कि ये उष्मित जल क्या होगा इसके नर से क्या होगा बाहर निकलेगा और यहाँ से संघनित होकर के अलग से पात्र में यहाँ करके डाई एथिल ईथर क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि एक बर्नर होता है और स्टैंड पर गोल पेंदी का फ्लास्क रखता है और गोल पेंदी के फ्लास्क जो होता है उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण इसमें डालते हैं और धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, शुरू शुरू में तो भाई 100 से 110 होना चाहिए और जब हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा तो यानी कि धीरे धीरे इसको टेम्परेचर बढ़ा करके 40 कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि ये आप लोग डाई एथिल ईथर प्राप्त करते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लें, ट्रिक लगा ले आप लोग, यदि सीरीज हो तो उसे भी पढ़ लेना या और इसे हमारी जो कथन है ये कंठस्थ कर लें आप लोग। ठीक, अगला थोड़ा देखेंगे, मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, देखो तो अगला जो वीडियो है देखिए आप लोग, प्रयोगशाला विधि है ये, देखिए कार्बनिक से ही देखिए, कार्बनिक से दो मैंने प्रयोगशाला विधि बताया है और अकार्बनिक से भी दो। अकार्बनिक में हाइबर विधि और अमोनिया ओस्टवाल विधि और नाइट्रिक अम्ल, और इसमें कार्बनिक में क्या डाई एथिल ईथर बनाने की विधि और एक क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2020 में आया हुआ है, 2017-2018 में भी आया हुआ है। तो थोड़ा देखेंगे, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म होता है CH3CHCl3 होता है, यानी कि ट्राई क्लोरोमेथेन होता है, ये इसका नाम होता है। तो थोड़ा देखेंगे प्रयोगशाला में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एथिल एल्कोहल को नम यानी कि नॉर्मल विरंजक चूर्ण के साथ मिला करके गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है और जल के साथ इसको क्या करें गर्म करेंगे तो प्राप्त क्या होगा CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। अब फिर इसी क्लोरीन को क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल के साथ इसको क्रिया कराएंगे तो प्राप्त होगा एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे कि इस एसिटाल्डिहाइड को पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा CCl3 ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को पुनः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, यानी कैसे ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है क्लोरीन गैस से मुक्त हो जाएगा। इस मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये क्लोरीन गैस को क्या करेंगे लेकर के फिर एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा, इस एसिटाल्डिहाइड को पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड को CaOH के साथ, यानी देखिएगा ट्राई यहाँ से देखिए ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, क्लोरीन प्राप्त हो गया और क्लोरीन को क्या करेंगे एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और इस एसिटाल्डिहाइड को पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा यानी क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था, क्लोरीन प्राप्त हुआ था तो फिर एथिल एल्कोहल को क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा और एसिटाल्डिहाइड को फिर क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा ऐसे ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा, ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को क्या CaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि इसी रिएक्शन से अलग से पदार्थ नहीं लाना है, इसी मतलब कि क्या करें कार्बनिक पदार्थ है यही इसी में जो है आपका जो रासायनिक पदार्थ है उसी से क्रिया कराएंगे, ये समझ में आ गया। अब बनाने की विधि थोड़ा देखेंगे हम लोग, बनाने की विधि क्या है कि एक गोल पेनी के फ्लास्क होगा, थोड़ा देखेंगे एक गोल पेनी के फ्लास्क है जो कि स्टैंड पर कसी हुई है और एक बर्नर है, बर्नर और इस स्टैंड पर कसी हुई गोल पेनी के फ्लास्क को यहाँ पर एक जाली लगी हुई है जिसमें बालू का चूर्ण होगा, इसमें इसके अंदर क्या होगा कि विरंजक चूर्ण 200 ग्राम और 400 ग्राम क्या होगा जल इसमें होगा
जो कि इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, एथिल एल्कोहल इसमें एल्कोहल का भी मिश्रण रहेगा। और जब इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो गर्म होकर क्या होगा, वाष्पित होकर धीरे धीरे इस नली के माध्यम से आएगा। जो वाष्पित जल होगा इसके माध्यम से इधर की तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगा और शेष क्या होगा, संघनित होकर क्या होगा, यानी धीरे धीरे क्या होगा कि इस पात्र में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, जो कि ये क्लोरोफार्म कहलाएगा। इस तरह से क्या होता है आपका कि क्लोरोफार्म प्राप्त किया जाता है। ये वीडियो निश्चित है आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लोरोफार्म का, क्लोरोफॉर्म का मतलब कि प्रयोगशाला विधि बनाने की विधि आएगा, सचित्रण करने के लिए आएगा। तो ठीक है, ऐसे ही आप लोग लिख लेंगे, मेरी कथन नोट कर लेना आप लोग, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग लिख लेंगे।